नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जादूकार न्यूज। आम जनमानस की समस्या सबसे बड़ी है कि जिन लोगों के पास अपने साधन नहीं हैं आने जाने के लिए, वो लोग रोडवेज बस या तो फिर प्राइवेट गाड़ी में जाकर के सफ़र करते हैं। ऐसे में उनको कितनी प्रकार की जो है प्रताड़ना सहनी पड़ती है, जिसका आपको आज एक जीता जागता वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वीडियो है हरदोई से लखनऊ जाने वाले मार्ग का, जहाँ पर आपको पता है कि एक नहीं सैकड़ों की संख्या में हरदोई टू लखनऊ, लखनऊ टू हरदोई प्राइवेट बसें चलती हैं, जबकि रोडवेज बसों में सवारियाँ पूरी नहीं पड़ती और ये लोग प्राइवेट तरीके से, वो भी इनके अपने अड्डे होते हैं, जो कि आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में सारे अड्डे वाली जो कहानी थी वो ख़त्म कर दी जा चुकी है। लेकिन यहीं तक नहीं, प्राइवेट गाड़ियां रोड पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनके बीमे तक नहीं हैं, कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिटनेस बिल्कुल सही नहीं है। बात इतनी ही नहीं, यहां पर जो सवारियां इन बसों में जाती हैं उनको किस तरीके से ठूस ठूस के भरा जाता है, जिसका आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि पूरी गाड़ी ओवरलोड है। जितनी सीटें होती हैं लोगों को बैठने के लिए, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। बात इतनी भी कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में जहाँ पर लोगों को ये भरोसा है, विश्वास है कि हमारे साथ में इंसाफ होगा, कोई हमें चूना नहीं लगा सकता, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं हो सकती, आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में इतनी सख्ती होने के बावजूद भी प्रशासन जिम्मेदार लोग मौन। कारण कि हरदोई से लखनऊ जाने वाली जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं, इनमें ज़्यादातर गाड़ियों में मनमाने तरीके से सवारियों से पैसे लिए जाते हैं और उनको उनका टिकट भी नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात, आखिर ये जो मूल्य हैं, आने जाने के जो रेट हैं, ये कौन निर्धारित करता है? कहां से ये मान्यता प्राप्त है? किसने ये यहाँ से यहाँ तक कि इन गाड़ियों के रेट को निर्धारित किया है? उसकी क्या नियमावली है? ड्राइवर चलती गाड़ी पे बात करता है, कंडक्टर है जो वो सवारियों के साथ बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि कई महिलाओं के साथ भी मेरे सफर के दौरान कंडक्टर ने बदतमीजी करी। कुछ ऐसी भी सवारियां थी जिनके पास पैसे न होने के वजह से गाड़ी से उतार भी दिया गया। जब इन सारी चीज़ों का विरोध उस गाड़ी में मौजूद पत्रकार सुमित तिवारी ने किया, तो उपस्थित कंडक्टर, हालांकि उसने अपना नाम नहीं बताया, ना कि इनकी कोई आइडेंटिटी है, ना कोई इनकी ड्रेस यूनिफॉर्म है, ना ही ये लोग अपना नाम पता बताते हैं, लेकिन आप चेहरा देख पा रहे हैं, ये कंडक्टर महोदय हैं। जब पत्रकार सुमित तिवारी ने इनसे इन सारे प्रश्नों के जवाब जानने की कोशिश की, तो इसने डायरेक्ट धमकाते हुए कहा कि ये अपनी पत्रकारिता अपने पास रखिए, अन्यथा आपको नौकरी से निकलवा दूंगा। शायद इन महोदय को ये पता नहीं कि पत्र, ये देख रहे हैं किस तरीके से बात कर रहा है, ये मेरे से ही बात हो रही है। ये इतना बड़ा एटीट्यूड, इतनी बड़ी आत्मविश्वास आखिर कहाँ से आती है? कौन ऐसा बड़ा तानाशाह है, कौन इतना बड़ा माफिया है जो इन लोगों को इतना बल देता है? किसी धांधली के साथ आप देख रहे हैं, पैसा ले रहा है, सबसे मनमाने तरीके से पैसा ले रहा है, लेकिन टिकट किसी को भी नहीं दे रहा है, किसी को भी रसीद नहीं दे रहा है। मान लेते हैं अगर रास्ते में चलते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है तो कितने लोगों को क्लेम मिल सकता है, क्योंकि ये प्रमाणित ही नहीं हो पाएगा कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी इसमें सवार व्यक्ति हैं, कि इसी गाड़ी में लोग जो है सवारी कर रहे थे, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आप वीडियो में देखिए, जब हमने लोगों से, यहाँ के लोगों से वार्ता करी है, तो फिर इन लोगों का क्या कहना था? इस वीडियो को अब आप लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना है, ताकि यदि आप भी कभी इन प्राइवेट बसों में सफ़र करें तो आपके साथ कोई कंडक्टर या ड्राइवर बदतमीजी न कर सके, आपका यात्रा मंगलमय हो।